अल्हम्दुलिल्लाह वकफा वसलामुन अला सय्यदिर रुसुल व खातमिल अंबिया व अला आलिही व असहाबिही الذين هم خلاصة الرب الربا وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وصل كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين اجمعين الى يوم الدين صدر گرامی حضرات علماء کرام سامعین محترم مغرب کی نماز کے بعد سے آپ حضرات کا یہ اجلاس شروع ہے متعدد حضرات کے آپ نے بیانات سنے अभी थोड़ी देर बाद आज के इस इजलास के आखिरी खतीब और हमारे मखदूम हजरत मुफ्ती साहिब दामत बरकातहुम का आप बयान सुनेंगे। इस वक्त हमारे मुल्क के अजीज में जो मसाइल करंट इशू के तौर पर ज़ेर बहस हैं उनमें से तीन पर इंतहाई इख्तसार के साथ बारी बारी चंद बातें अर्ज करता हूँ। मेरे भाइयों, इस मुहर्रमुल हराम में कराची से लेकर खैबर तक मुल्क में एक सोची समझी स्कीम और मंसूबे के तहत हजराते सहाबाए कराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की इहानत पर मबनी गुफ्तगुएं हुई और वो बिला वजह नहीं। आज की मजलिस में मैं दरख्वास्त करता हूँ जो नमाज पढ़े उसे नमाजी कहते हैं। आप एक साइड पे हो जाए बस करें, कितनी दफ़ा तुमने दुरुस्त करना है इसको, जो करना है एक दफ़ा कर लो। जो नमाज पढ़े उसे नमाजी कहते हैं, जो हज करे उसे हाजी कहते हैं, जो जिहाद करे उसे गाजी कहते हैं, जिसने ईमान की हालत में हुजूर को देखा उसे सहाबी कहते हैं। ज़रा तवज्जो करें, स्टेज पर तशरीफ फरमा जुमला हजरात उलमाए कराम किबला मुफ्ती साहब समेत, आप इनसे मसला पूछें कि दुनिया में ईमान के बाद सबसे बड़ी नेकी कौन सी है। नमाज पढ़ना बहुत बड़ी नेकी है लेकिन सबसे बड़ी नेकी नहीं। जिहाद करना, शहीद होना बहुत बड़ी नेकी है लेकिन सबसे बड़ी नेकी नहीं। अल्लाह के रास्ते में खर्च करना, मस्जिद बनानी, मदरसा बनाना, नेकी का हुक्म करना, बदी से रोकना, मूजी चीज़ को रास्ते से हटाना, छोटे का छोटे पर रहम करना, बड़े का एहतराम करना, गरीब का, हमसाया का ख्याल रखना, माँ बाप के साथ नेकी करना,
नेकी का हुक्म देना, बदी से रोकना, खैर के काम करना, शर के कामों से खुद भी बचना, लोगों को भी बचाना, ये सब नेकियां हैं। लेकिन सबसे बड़ी नेकी नहीं मेरे भाइयों, उलमाए कराम की मौजूदगी में अर्ज करता हूँ, दुनिया में ईमान के बाद सबसे बड़ी नेकी नबुव्वत के चेहरे का दीदार हुआ करता है। ये इतनी बड़ी नेकी है कि दुनिया की कोई नेकी इस नेकी का मुकाबला नहीं कर सकती। दुनिया की लेटेस्ट मर्दमशुमारी के मुताबिक मशरिक से लेकर मगरब तक पूरी दुनिया में मुसलमानों की तादाद 1,70,00,000,000 बताई जाती है। आप 2.25 करोड़, ये वाकया नहीं सिर्फ समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूं, 2.25 करोड़ मुसलमानों को करोड़ साल की जिंदगी मिल जाए और वो करोड़ साल तुम सब का बैतुल्ला शरीफ में गुजरे, जहां एक के बदले लाख मिलता है। आज के 2.25 करोड़ मुसलमानों की करोड़ साल की बैतुल्लाह की इबादत एक तरफ, और एक सहाबी का पल झपकते हुजूर को देखना एक तरफ। मेरे भाइयों तवज्जो करें, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पूरी इंसानियत में से मुझे चुना, अल्लाह ने पूरी इंसानियत में से मेरे सहाबा कराम को भी मेरी मजलिस और महफल के लिए चुना। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम हूँ या अहल बैत, मेरे भाइयों जरा तवज्जो करें, ये दोनों अहले सुन्नत के लिए दोनों आंखें हैं। जिस तरह लिखत पढ़त या गुफ्तगू में दाएं बाएं की गुफ्तगू तो होती है, लेकिन इफादियत के एतबार से आप नहीं कह सकते कि ये आंख ज्यादा कीमती है ये कम। दोनों अपनी अपनी जगह इतनी अहम हैं। जिस तरह एक इंसान के लिए दोनों आंखें अहमियत के हामिल हैं, अहले सुन्नत के नज़दीक सहाबा और अहले बैत भी इसी तरह अहमियत के मुस्तहिक हैं, अहमियत के हामिल हैं। मेरे भाइयों ज़रा तवज्जो करें, मैं सिर्फ आज की गुफ्तगू से आप हज़रात को मानूस करने के लिए ये गुफ्तगू कर रहा हूँ। मुझे बहुत जल्दी अगली गुफ्तगू शुरू करना है। आप तवज्जो करें, हजरते सहाबाए कराम वो उम्मत का सरमाया हैं, इसी तरह अहले बैत भी। ईमान है हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ, लेकिन खूनी रिश्ता नहीं। हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ खूनी रिश्ता भी है, ईमान का रिश्ता भी है।
हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ सिर्फ खूनी रिश्ता है पर ईमान का रिश्ता नहीं। ये मैंने तीन कैटेगरियां आप हजरात की खिदमत में अर्ज की। खून का रिश्ता है, ईमान का रिश्ता नहीं। उसकी मिसाल अबू जहल है। ईमान का रिश्ता है, खून का रिश्ता नहीं। उसकी मिसाल सुहैब और बिलाल हैं। और बिलाल का यह हाल है, चलते मदीना तैयबा की गलियों में थे, उनके चलने के जूतों की आवाज़ जन्नत में सुनाई देती थी। वो सिर्फ खून का रिश्ता, ईमान नहीं। दुनिया उसे अबू जहल कहती है। खून का रिश्ता नहीं पर ईमान का रिश्ता है, दुनिया इसे बिलाल कहती है। और अगर खून का भी रिश्ता है, ईमान का भी रिश्ता है, तो दुनिया इसे हुसैन के नाम से याद करती है। आहले सुन्नत के नज़दीक सहाबा कराम हूँ या अहल बैत रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन, उनके मुतालिक अपने दिल दिमाग में किसी भी किस्म की कोई कदूरत रखना, हम इसे ईमान के मुनाफी समझते हैं। अगर आप हजरात भूल नहीं गए तो 1980 से लेकर 1990 तक बिलखुसूस ये 10 साल हमारे मुल्क में शिया सुन्नी नाम पर इंतहाई खून रेजी कराई गई। हजारों आदमी दोनों तरफ से उसके अंदर काम शिकार हुए, मौत के घाट उतार दिए गए। मेरी बात ये किसी को हजम हो या ना हो, लेकिन कहे बगैर गुजारा नहीं। अगर शिया ये समझते हैं कि इस मुल्क में सुन्नी ख़त्म हो जाएगा तो इससे बढ़कर उनकी और कोई हिमाकत नहीं हो सकती। और अगर सुन्नी ये समझता है कि इस मुल्क में शिया को ख़त्म कर देंगे तो इससे बढ़कर भी कोई हिमाकत नहीं होगी। उन्होंने भी इस मुल्क में रहना है, हमने भी इस मुल्क में रहना है। सदियों से रहते चले आ रहे हैं, उनका अपना नजरिया, हमारा अपना ईमान। हम तो करें हर एक की गुलामी, नौकरी और चाकरी, वो करें सहाबा कराम की एहानत। मिलके कह दो ये कबूल नहीं। जो कहते हैं कबूल नहीं, वो जोर के साथ कह दें ये कबूल नहीं। आप हजरात के मुल्क में एजेंसियों ने खेल खेला। कराची में बिलखसूस लिसानियत के नाम पर एक पार्टी को खड़ा किया गया, हजारों आदमियों को खाक और खून में मुब्तला कर दिया गया। शिया सुन्नी के नाम पर इस मुल्क में फसाद कराए गए। दोनों तरफ के हजरात इतनी तवील परेशानी और मुशक्कत से गुजरने के बाद बिल आखिर वो एक स्टेज पर बैठे और आप हजरात के मुल्क के अंदर सुकून गुज़श्ता 2-3 साल से देखने में नजर आ रहा था। आज की मजलिस में शिया दोस्त हूँ या सुन्नी मेरे भाई, उन तमाम की खिदमत में दरख्वास्त करता हूँ, कराची से लेकर खैबर तक जो कुछ पूरे मुल्क में मजालिस में हजरात सहाबा कराम को गालियाँ दी गईं, मेरी दरख्वास्त सुने। ये बिला वजह नहीं,
एक प्लानिंग के तहत हुआ, वो मुल्क को एक दफा फिर शिया सुन्नी कशीदगी की तरफ ले जा रहे हैं। और आज के इस इजलास में मैं खुले बंधु इल्जाम आयद करता हूं कि इसके अंदर हुकूमती मशीनरी शामिल है, जानबूझकर ये कराया जा रहा है। मुझे ये समझाया जाए, इस्लामाबाद में एक आदमी सैयदना सिद्दीक अकबर की इहानत करता है, बकवास का इर्तकाब करता है, हुकूमत की नाक के नीचे इस्लामाबाद में जहां ईंटें उतनी नहीं जितने एजेंसियों के अफराद वहां पर रहते हैं, उसके खिलाफ पर्चा दर्ज हुआ, उसे गिरफ्तार नहीं किया गया। सिर्फ गिरफ्तार नहीं किया गया, सुनी दिए आए कि उसे बाहर भेज दिया गया। ये बिला वजह नहीं, एक दफा फिर खेल खेलने की साजिश और शकीम तैयार हुई। आज के इजलास में मैं तमाम तर मकतबा है फिक्र के दोस्तों से अपना ये फर्ज समझता हूँ कि उनसे ये दरख्वास्त करूँ कि इस लड़ाई से बचने की कोशिश की जाए। ज्यादती उनकी तरफ से हुई है, उन्हें अलल ऐलान माजरत करनी चाहिए। और जहाँ तक हमारे दीन ईमान का तकाजा है, वाशगाफ में अर्ज करते हैं कि रब्बे मोहम्मद की कसम, जान दी जा सकती है, सहाबा की इज्जत पे समझौता नहीं किया जा सकता। एक तो मैंने आज की मजलिस में ये पैगाम आप दोस्तों से अर्ज करना था, बिल्कुल शरण अपनी जिम्मेदारी समझकर। इसमें ना मैं किसी बस, मेरे ख्याल में मुझे वजाहत की भी जरूरत नहीं। दूसरा, आप हजरात के मुल्क में एक ताजा कजिया पेश आया, रजब शाह के आखिर शाबान के अवाइल में पूरे मुल्क में नहीं, मशरक से लेकर मगरब तक पूरी दुनिया में कोरोना का हमला हुआ। भले लोगों, दुनिया जहान का कोई इस्लामी या गैर इस्लामी मुल्क ऐसा नहीं जो इस कोरोना से मुतासर ना हुआ हो, और गैर मुस्लिम ममालिक तो रहे अपनी जगह, बाद मुसलमान ममालिक में मस्जिद पर भी पाबंदी लगी, कई कई महीने तक मस्जिद सील रही, ना वहां पर अजाने हुई, ना वहां पर जमात हुई, ना वहां पर नमाज हुई। लेकिन आप मैं जितना अल्लाह का शुक्र अदा करें वो कम है कि कम अज कम पूरी दुनिया में ये एजाज पाकिस्तान को जाता है कि पूरे इस पीरियड के दौरान में पाकिस्तान में एक भी मस्जिद, एक भी नमाज के लिए सील और बंद नहीं हुई। ये सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट आप हजरात को जाता है, दीनी कुव्वतों को, दीनी जमातों और दीनी इदारों को, जो इस मुल्क में इस्लाम की सरबुलंदी, तरवीज और इशाद के लिए कोशिश कर रहे हैं। बिला शिरकत गैरे ये आपको क्रेडिट जाता है कि दोस्त और दुश्मन ने आपके इस वजन को महसूस किया कि पूरे मुल्क में किसी एक मस्जिद को सील करने की वो जुरत नहीं कर पाए। मेरे भाइयों, इसके साथ एक हादसा भी हुआ। समझ लें कि पाकिस्तान को बने हुए 75 साल हो गए, इस 75 साल के अरसे में कोई मजहबी या दीनी, सियासी, किसी भी मुआशी, किसी भी किस्म की इस 75 साल के अरसे में आपके मुल्क के अंदर तहरीक चली,
किसी तहरीक में आज तक कभी तबलीगी जमात को गवर्नमेंटों ने हाथ डालने की जरूरत नहीं की थी। इस कोरोना को बहाना बनाकर इस वक्त की हकूमत की नहुसत ये हुई कि कराची से लेकर खैबर तक तबलीगी जमात के अफराद की चलत फिरत को रोका गया। इन्हीं खुद वापस आ जाना चाहिए था, और अगर ये वापस नहीं आए इन्हीं खुद अकल करनी चाहिए थी, और अगर ये वापस नहीं आए थे तो इन्हीं वार्निंग दी जाती, मौका दिया जाता कि ये अपने घरों को आते, उनको गिरफ्तार करना, करंटीना में डालना, उन पर तशद्दुद करना, उनके साथ बदतमीजी करना, उनकी कुटाई करनी, उन्हें मारना, उनके साथ गैर इस्लामी गैर अखलाकी हरकत का इर्तकाब करना, ये वो जिल्लत आमेज कार्रवाई है जिससे हमारी गवर्नमेंट ने कोई अच्छा तासर कैब नहीं किया। इसकी तमाम तर जिम्मेदारी गवर्नमेंट पर आयद होती है, लेकिन वो जारी थी, पूरी ताकत सर्व करके कोरोना को रोकने की कोशिश की जा रही थी। उन हालात और वाकयात में बिल्कुल उन्हीं दिनों कराची में सूबाई असेंबली का इजलास हुआ, वहां पर MQM का एक मेंबर खड़ा हुआ। आप लोगों का मुतालबा नहीं था, हमारा मुतालबा नहीं था, इसका कोई बैकग्राउंड भी नहीं था, इस पर कोई मेहनत भी नहीं थी, इसे कोई इस पर दबाव भी नहीं था, सपोर्ट भी नहीं थी। वो मेंबर खड़ा हुआ, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसके दिल में डाला, उसने भरे इजलास में सूबाई असेंबली से मुतालबा किया के तमाम असेंबली के मेंबरान तायीद करें मेरी इस बात की, असेंबली मुत्तफका तौर पर करारदाद मंजूर करे कि आज के बाद पूरे सूबा सिंध में जहां कहीं निसाब तालीम में, जहां कहीं सरकारी खतो किताबत में रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखना पेश आ जाए, वहां अकेला आपका नाम न लिखा जाए, आपके नाम के साथ खातमन नबीजीन भी लाजमी तौर पर लिखा जाए और ये असेंबली इस करारदाद को मंजूर करे। मेरे भाइयों, आप दोस्त यकीनन खुशी महसूस करेंगे कि अभी तक इस करारदाद पेश करने वाले की सदा खत्म नहीं, आवाज नहीं खत्म हुई थी, इसने अपनी बात पूरी नहीं की थी कि पूरी असेंबली में बैठे हुए असेंबली के मेंबरान ने तायीद के लिए हाथ खड़े कर दिए। पूरी असेंबली में एक आदमी ने इस करारदाद की मुखालफत नहीं की। ये उलमा बैठे हैं, इनसे पूछ लीजिए, पता आपको भी है कि वहां कम अज कम सिंध की पोजीशन ये है कि बहुत बड़ी तादाद असेंबली के मेंबरान की हिंदू मुंतखब होकर वो असेंबली के अंदर आते हैं, वहां और भी गैर मुस्लिम बहुत सारे मेंबरान वहां की असेंबली के मेंबर हैं, लेकिन मेरे रब की शान भाइयों, इधर करारदाद पेश हुई, उधर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुजूर की उम्मत दावत और उम्मत इजाबत दोनों को इकट्ठा कर दिया, दोनों ने करारदाद की हिमायत की। मेरे भाइयों, अभी चार दिन नहीं गुजरे थे कि कौमी असेंबली का इजलास हुआ, वही कौमी असेंबली में करारदाद आई जो सिंध असेंबली में आई थी, पूरी कौमी असेंबली ने भी इस करारदाद को मंजूर किया, एक मेंबर ने इसकी मुखालफत नहीं की।
चार दिनों के बाद सेनेट का इजलास था, उसमें यह करारदाद मंजूर हुई। कुछ अरसे के बाद पंजाब असेंबली का इजलास हुआ, उसमें करारदाद मंजूर हुई। कुछ दिन वक्त गुजरा, आजाद कश्मीर की असेंबली ने यह करारदाद मंजूर की। मैं मुख्तसर करता हूं कि पूरे मुल्क की सुभान अल्लाह नहीं कहते जोर से, मेरे भाई हो, ये मेरा साथी भी खूब है। मैंने कहा सुभान अल्लाह कहता है नारा तकबीर, सुभान अल्लाह का माना नारा तकबीर। ये मैंने पहली दफा आप हजरात के यहाँ सुना है इसकी ये ताबीर। सूफी मेरे भाइयों, मैं दरख्वास्त करता हूँ आप हजरात से, कौमी असम्बली ने इसके लिए पार्लियामेंट के अंदर जिन जमातों की नुमाइंदगी है एक एक मेंबर लेकर इस पर एक कमेटी कायम की। उस कमेटी के जिम्मे लगा कि पूरे मुल्क के तमाम तर डीसीओज को असम्बली की तरफ से खत लिखा जाए कि इस करारदाद पर अमल दरामद को यकीनी बनाए। मेरे भाइयों, इस कमेटी के जिम्मे ठहरा कि आप कराची से लेकर खैबर तक इस पर अमल दरामद की रिपोर्ट लेकर असम्बली में पेश किया करें। आप मैं जितना अल्लाह का शुक्र अदा करें वो कम है कि उसका नोटिफिकेशन भी हो गया है और उस पर पूरे मुल्क में अमल दरामद भी हो गया है। आप हजरात का इस करारदाद का मंजूर होना, उस पर अमल होना, उस हुकूमत में जिस हुकूमत के वजीर आजम खातमन नबीजीन का लफ्ज जुबान से नहीं कह सकते, अगर वो कहे तो उसकी जुबान लड़खड़ाती है। जिसे खातमन नबीजीन का लफ्ज कहते कहने की तौफीक नहीं होती, उसकी हुकूमत में उन इन हालात और वाकयात में अल्लाह रब्बुल इज्जत का ये कानून बनवा देना, ये दलील है इस बात की कि इंशाअल्लाह क्यामत की सुबह तक पाकिस्तान भी रहेगा, हुजूर की इज्जत का तहफ्फुज भी रहेगा। जो कहते रहेगा वो हाथ उठा के लहरा के जोर से कह दे रहेगा। मेरे भाइयों, अब मैं आखिरी गुजारिश करता हूं और वो ये, आप हजरात को मालूम है कि 7 सितंबर 1974 में कादियानियों को गैर मुस्लिम अकलियत करार दिया गया। इस्लामिया ने खैबर पख्तूनख्वा, आप हजरात को ये मुबारकबाद जाती है, आपको क्रेडिट जाता है इस बात का कि पूरे मुल्क में इस काम की, इस तहरीक की क्यादत करने वाले शेखुल इस्लाम हजरत मौलाना मोहम्मद यूसुफ बिन नौरी सिर्फ आपके सूबे से ताल्लुक नहीं रखते थे बल्कि आपके शहर पिशावर से ताल्लुक रखते थे। पूरे उलमाए कराम की असम्बली में क्यादत करके जिन्होंने इस मसले को हल कराने के लिए शबो रोज मुजाहिदाना ईमान परवर किरदार अदा किया, वो मुफक्किर इस्लाम मौलाना मुफ्ती महमूद, उनके गरा कदर रुफका हजरत मौलाना अब्दुल हक, हजरत मौलाना गुलाम गौस, मौलाना सदर शहीद, मौलाना शाह मनुरानी, उनमें से बहुत सारे हजरात ऐसे थे जिनका आपके सूबे के साथ ताल्लुक था। आज की मदद गैर मुस्लिम अकलियत करार दिया गया, 1975 से लेकर आज तक आपको ये क्रेडिट जाता है कि आप हजरात के पिशावर में हमेशा 7 सितंबर को अजीम उशान जलसा होता रहा और इस दफा
जमीयत उलमाए इस्लाम के कायद हमारे मखदूम हजरत मौलाना फजलुर रहमान ने उसकी मेज़बानी कबूल की। जमीयत उलमाए इस्लाम बतौर दाई के उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस करने का इस साल ऐलान किया, हम उनके साथ हैं। आप जितने दोस्त यहाँ पर आए बैठे हैं, आज आप हजरात को इसलिए जहमत दी गई, सिर्फ कल का दिन बाकी रह गया है, परसों वो कॉन्फ्रेंस है। मैं आप दोस्तों से क्या तवक्को रखूं कि आप हजरात उस कॉन्फ्रेंस में शरीक होंगे? जो कहते हैं होंगे वो जरा जोर के साथ कह दे होंगे, हाथ उठा के लहरा के जोर से कह दो शरीक होंगे। भले तुम बहुत अच्छे आदमी हो, लेकिन मेरा आप हजरात से बिल्कुल ये मुतालबा नहीं कि आप हजरात उस कॉन्फ्रेंस में शरीक हों, इसलिए कि वो तो आप नहीं शरीक होंगे तो कौन होगा? वो आपकी अखलाकी ईमानी जज्बात की पैगंबर इस्लाम की ज़ात अक़दस के साथ मोहब्बत का तकाजा है, वो तो आप दोस्तों ने जाना है। मेरा जो आप हजरात से मुतालबा है वो ये कि सिर्फ एक दिन कल का बाकी रह गया, परसों कॉन्फ्रेंस है और इस वक्त तक हम कॉन्फ्रेंस से फारग हो चुके होंगे, घरों को भी पहुंच गए होंगे। मेरी आप हजरात से दरख्वास्त है, यहाँ से जाने के बाद ये जो 24 घंटे आप हजरात के पास बाकी हैं, इस वक्त में आप चलते फिरते कॉन्फ्रेंस के इश्तिहार बन जाएं, मुबल्लिग और दाई बन जाएं, एक एक दोस्त को तैयार करें। मेरी रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ आप हजरात का सूबा खैबर पख्तूनख्वा नहीं, उसके देहात नहीं, उसके अजला या यूसीए नहीं, यहाँ इतनी तैयारी हो रही है, आपके सूबे के हर घर से इंशाअल्लाह हर इलाके से वफूद और काफले उस कॉन्फ्रेंस में शरीक होंगे, सारा सूबा शरीक हो, सिर्फ आप नहीं, इस्लामाबाद पंजाब तक इसकी तैयारी हो रही है, उसमें दो शरीक होंगे। और चश्मे फलक इंशाअल्लाह एक ऐसा नज़ारा देखेगा कि दोस्त और दुश्मन देखकर सजदर हो जाएंगे, दोस्त खुशी की वजह से सजदर होंगे और दुश्मन हसद के मारे वो जलकर कोयला बनेगा। ये दोस्त और दुश्मन दोनों को इंशाअल्लाह कॉन्फ्रेंस हैरान कर देने वाली होगी। मेरा जो आप दोस्तों से मुतालबा है वो ये कि ये 24 घंटे कॉन्फ्रेंस के दाई और मुबल्लिग होने के तौर पर आप हजरात इसके लिए वर्क करें। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि कौन कौन दोस्त इस कॉन्फ्रेंस को अपना काम और ईमान समझकर इसके करने के लिए तैयार हैं? जो तैयार हैं वो हाथ खड़ा कर दें। ताज तख्त खत्म नबूवत, ताज तख्त खत्म नबूवत, जिंदाबाद।